तो ये क्या है, संजय घोड़ावत इंटरनेशनल स्कूल? स्कूल है महाराष्ट्र की संस्था है। हाँ हाँ। और यहाँ पर फिटिंग ग्राउंड है, साल साल में तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 साल फूटे होंगे यहाँ पर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मार्शल। मार्शल ठीक है ना? क्या नाम है तुम्हारा? नाम भी नहीं बताने को आता है? नहीं ज्यादा काटता नहीं, काटता नहीं कुछ नहीं, उसको सिर्फ घूमने का शौक है, गाड़ी में बैठने का शौक। मेरी गाड़ी पर बैठेगा। मेरी गाड़ी देखा है तुमने? फोटो देखा है? गाड़ी देखा है क्या? बोला ना, बस उसको एक कोई ना कोई चाहिए रहता तो प्यार से खेलेगा उसके साथ। अरे मैं सांपों के साथ खेलता हूँ, ये थोड़ा अलग स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है। ऐसे दोस्ती करेगा, काटेगा इसको, काटेगा किसको? सावत नहीं, फक्त तुम्हारा सुनणार तो, बाकी काय नाही करणार। सावणार नाही तो, फक्त सुनणार तो। मुलाकात हो गई, लेकिन जिस काम से हम आए थे वो पक्षी है, काफी वक्त से उसको संभाल के रखा हुआ है। और क्या बाज है ना? बाज, चील भी कहते शायद, चील बाज जो है, और मराठी में कुछ ब्राह्मणी घार ऐसा कह दिया, क्योंकि उनके जो विशेषज्ञ है हमारे मित्र निरंजन सं जी, उनसे हमने बात की, वो उनके बारे में जानते हैं। तो मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि एक पक्षी ऐसा जख्मी वगैरह है, तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप इसका कुछ कीजिए, क्योंकि उसको बचाना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यहाँ पर स्केटिंग कम्पिटिशन होते रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और निखिल चिंडक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है कारों से नीचे से, क्यों क्या रिकॉर्ड है उनका? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उनके, कारों के यानी क्लूजर की गाड़ियों के नीचे से निकले 152 कार के नीचे से। तो इतने बड़े बड़े लोग हमारे बेलगाम में रहते हैं, प्रेरणा मिलने के लिए सिर्फ सांपों का काम नहीं, अलग अलग काम है। तो स्केटिंग ग्राउंड आस पड़ोस में सांप बहुत आते हैं, वहाँ पर भी आते हैं, लेकिन अभी हम आए हैं वो जो बाज है वो देखेंगे अभी किस हालत में है और हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं। अभी जो मुझे पहले फोन किए थे कौन पता है इसको? वो बाहर में कुछ बाहर था, वो महेश सर उन्होंने कल ही किया होगा शायद, कल किया था, सुबह भी किया था। और इनको बता कि आपने बोला था शायद तक क्या ठीक हो तो हम छोड़ देंगे, तो शायद ठीक नहीं लगा तो छोड़ देंगे। वो तो उड़ने का कोशिश करता पर वो दिखाते बढ़िया से और हवा नहीं था कि हम अंदर आए और खुद ही उड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए बात तो हम सांपों की हमेशा करते हैं, लेकिन हर प्राणी इंसान से डरता है, ये पक्षी को भी अलग लगा और इसको भी बाहर निकलना है। शायद किसी मुसीबत की वजह से वो गिरा और थोड़ा सा अपाहिज जैसा मतलब पैर को प्रॉब्लम हो जाता है। अभी तो एक दिन का है, उसको अगर पता चला कि इनसे हमें खतरा नहीं है तो इसको क्यों हम काटे। सेम सांप का ही इसमें लागू होता है और वही इंसान को समझना चाहिए। अरे सर मैं तेला सोडून देऊ काय तुमच्याकडे घेऊन यासाठी आणि मी फोन केला होता।
कार करणे म्हणजे हातात आणि उडाला प्रयत्न करायलाय आणि चांगला आहे तो उडाला पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करायलाय. हा हा सोडतो घ्या सर मग सोडतो घ्या. यहां से आने से पहले महेश जी ने थोड़ा सा मतलब तसल्ली दी थी कि हाँ शाम को थोड़ा तकलीफ में था लेकिन अभी हमें अच्छा लगा कि इसको अभी कुछ नहीं हुआ है. तो अभी भी आके हमने वही देखा, हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. और निरंजन संत जो है सर जी है वो उनसे हमने उनकी राय ली और उन्होंने भी कहा कि अभी उसको छोड़ना ही अच्छा है, नेचुरली ठीक हो जाएगा तो इसको आज़ाद करेंगे, हमें मज़ा लगेगा पक्षियों के साथ वगैरह. लेकिन उनको कैद करने जैसा है और उनको तकलीफ देने जैसा है तो कुदरत के हवाले जैसे हम सांपों को छोड़ते हैं ऐसे उसको भी आदत करेंगे, कुदरत में ये ठीक हो जाएगा. अब अभी जो कुछ उसको तकलीफ है वो उससे भी उभर जाएगा ऐसा उम्मीद है. अभी तो उसको लगने जैसा कुछ नहीं, आपने भी देखा है बंद कमरे में किस तरह से वो ये कर रहा था. नाखून तो लग जाएंगे ना, ऐसा है. ए छोड़, कौन कैसे कर रहे, इतना काटेगा नहीं ना, काटता है ना मुझसे नाखून से. ये देख छोड़ो ना, तेरी आंखें और मेरी आंखें भी तकरीबन सेम सेम है. ये निकालो पहले. ऐसा हाथ करो, ये फोन थोड़ी सी मुझे पकड़ो. उड़ गए, अरे अच्छा उड़ रहे हो देखो. सिर्फ कल का डर था कि हम उसको छोड़े तो उसको छोड़ने का था सर बम को ऐसा नहीं बोल के नहीं उसको सर का वगैरह लगा तो वो ज्यादा है होगा मतलब गिरा वो नीचे ही पड़ा. हां ना माशा बस कर हां माशा माशा लोगो पना से हां ओके. घूमने कहीं नहीं गए ना इसलिए साथ में सांप पकड़ने कोई घूमने गए. आज मैं ए और प्रशांत और एक प्रशांत भी शामिल होगा शायद. आ रहा है उसको अभी जी नहीं रहा तो वो भी आ रहा है. हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचने के लिए शेयर कीजिए. धन्यवाद.